लोकसभा में आज सुबह 11 बजे पेश होगा अंतरिम बजट। कार्यकारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल पेश करेंगे बजट। नई सरकार के गठन के बाद जुलाई में पेश होगा पूर्ण बजट। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण को भी किया जाएगा पेश। दूसरी बार आम बजट के साथ आएगा रेल बजट। साल 2017 में पहले रेल बजट और आम बजट अलग अलग होता था पेश। बजट में सरकार मिडिल क्लास के लोगों को टैक्स में दे सकती है राहत। टैक्स स्लैब में पीयूष गोयल कर सकते हैं बदलाव। अंतरिम बजट में मोदी सरकार कुछ महीनों के लिए आम जनता को टैक्स में दे सकती है छूट। सत्ता में दोबारा वापसी के बाद बढ़ाई जाएगी टैक्स छूट की समय सीमा। अभी 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय पर 5%, 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए पर 20% और 10 लाख से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स लगता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को बढ़ाने के मूड में है सरकार। अभी 40,000 तक की सीधी छूट मिलती है। 80C के तहत टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाने की उम्मीद। सरकार 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर सकती है टैक्स छूट की सीमा। होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा सरकार बढ़ा सकती है। 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जा सकता है। मोदी सरकार अंतरिम बजट में कर सकती है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का ऐलान। गरीब परिवारों को गुजारे के लिए सरकार देगी एक तय राशि। आखिरी बजट में मोदी सरकार किसानों के लिए कर सकती है बड़ा ऐलान। किसानों के लिए विशेष पैकेज का ऐलान संभव। किसानों के खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर कर आर्थिक लाभ दे सकती है सरकार। समय पर लोन चुकाने वाले किसानों का वित्त मंत्री कर सकते हैं ब्याज माफ। किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा सरकार मछली पालन, दुग्ध उत्पादन और मधुमक्खी पालन करने वालों को भी दे सकती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की खामियों को दूर करेगी सरकार। प्रीमियम को किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर करने का ऐलान कर सकती है सरकार। अंतरिम बजट में सरकार ग्रामीण क्षेत्रों पर देगी ध्यान। ग्रामीण क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं के लिए बजट में 16% की बढ़ोतरी कर सकती है सरकार। अंतरिम बजट में सरकार रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए 600 अरब रुपए आवंटित कर सकती है। पिछले साल की अपेक्षा 9% ज्यादा होगा बजट। मोदी सरकार के आखिरी बजट से व्यापारियों को विशेष पैकेज की उम्मीद। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ट्रेड प्रमोशन काउंसिल की स्थापना की व्यापारियों ने की मांग। 5 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनियों को 2% सस्ते ब्याज दर पर मिल सकता है लोन। 10 करोड़ टर्नओवर वाले व्यापारियों को मिल सकता है 10 लाख रुपए इंश्योरेंस। सरकार व्यापारियों के लिए पेंशन, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और महिला उद्यमियों के लिए शुरू कर सकती है स्कीम। कारपोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 25% कर सकती है सरकार। मिडिल क्लास और छोटे कारोबारियों को होगा फायदा। बैंक, मेटल, हेल्थ, टेलीकॉम और ऑटो सेक्टर को मिल सकती है सौगात। सोने पर लगने वाली ड्यूटी में सरकार कर सकती है कटौती। टीवी, एसी और फ्रिज हो सकते हैं महंगे। CEAMA की सिफारिश पर विदेशों से आयात होने वाले प्रोडक्ट्स पर सरकार बढ़ा सकती है टैक्स। बजट में सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 21,000 कर सकती है सरकार। फिलहाल 18,000 है न्यूनतम वेतन। बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना में सरकार कर सकती है फेरबदल। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मोदी सरकार खोल सकती है खजाना। महिला एवं बाल विकास को 29,000 करोड़ रुपए आवंटित कर सकती है सरकार। अंतरिम बजट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजना की रफ्तार बढ़ाने के लिए मोदी सरकार देगी जोर। रेलवे में खाली पड़ी सीटों को जल्द भरने का पीयूष गोयल कर सकते हैं ऐलान। दोहरीकरण किए जा रहे ट्रैकों पर बढ़ाए जा सकते हैं ट्रैकमैन। रेलवे के आधुनिकीकरण पर सरकार देगी जोर। ट्रैकमैनों को आधुनिक औजार और उपकरण से लैस करने का हो सकता है ऐलान। बजट में रेलवे के विद्युतीकरण, ट्रैक नवीनीकरण और नई लाइनों को बिछाने पर दिया जाएगा जोर। साफ सफाई के लिए बजट में हो सकता है इजाफा। बजट सत्र में मेट्रो के लिए सरकार कर सकती है बड़े पैकेज का ऐलान। शहरी और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 20% बजट बढ़ाने की सिफारिश की है। GST कलेक्शन 9 महीने में तीसरी बार 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हुआ। साल 2018 में अप्रैल और अक्टूबर में भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा टैक्स मिला था। अंतरिम बजट पेश होने से पहले बाजार ने लगाई छलांग। कल सेंसेक्स 665 अंक चढ़कर 36,256 पर हुआ बंद। निफ्टी 179 अंक चढ़कर 10,830 पर हुआ बंद। अंतरिम बजट से पहले घरेलू रसोई गैस की कीमतों में आई कमी। सब्सिडी वाला सिलेंडर 1.46 रुपए तो बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 30 रुपए हुआ सस्ता। प्रोफेशनल टैक्स में छूट पर कमलनाथ सरकार ने जारी किया आदेश। 2.25 लाख से कम की आय पर नहीं लगेगा टैक्स। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जांच कराने के लिए दिल्ली के एम्स पहुंचे। बजट सत्र और अटल सेतु के उद्घाटन के कारण नहीं करा पाए थे समय पर चेकअप।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर का विवादित ट्वीट, हिंदी हिंदू हिंदुत्व की विचारधारा को बताया देश को बांटने वाला। सीबीआई के नए चीफ को लेकर पीएम मोदी के घर आज सेलेक्ट कमेटी की बैठक, शाम 6:30 बजे होगी बैठक। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर आलोक वर्मा के खिलाफ हो सकती है विभागीय कार्रवाई, ट्रांसफर के बाद पदभार नहीं संभालने पर गृह मंत्रालय ने बताया नियमों का उल्लंघन। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए 6 पनडुब्बियां बनाने की मंजूरी दी, 40,000 करोड़ की लागत में भारत में बनाई जाएंगी सभी पनडुब्बियां। बुजुर्गों को मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ का तोहफा, 12 से 24 फरवरी के बीच 3200 बुजुर्गों को कुंभ में स्नान कराएगी सरकार। संघ पर बम बनाने के आरोपों के बाद बीजेपी पर बरसे एमपी के मंत्री गोविंद सिंह, बोले बीजेपी सरकार में 15 सालों तक गजनवी की तरह की गई लूटपाट। बड़वानी में बीजेपी नेता मनोज ठाकरे की हत्या के आरोप में बीजेपी नेता ताराचंद समेत 7 गिरफ्तार, पुलिस के मुताबिक 5 लाख रुपए में दी गई थी सुपारी, 20 जनवरी को हुआ था मर्डर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी से 8 फरवरी के दौरे को टालने की अपील की, बजट सत्र का दिया हवाला, बोले मुश्किल होगा प्रोटोकॉल निभाना। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग, बीजेपी नेता संजू नारायण ने पीएम मोदी और शाह को लिखी चिट्ठी। अंतागढ़ टेप कांड मामले में मंतूराम पवार से एसआईटी ने 3 घंटे तक की पूछताछ, पूर्व सीएम रमन सिंह से मिले मंतूराम। छत्तीसगढ़ में 4,106 करोड़ के ई टेंडर घोटाले की जांच आर्थिक अपराध शाखा ने शुरू की, जांच टीम ने चिप्स ऑफिस में की छापेमारी। हरदा की नगर कोतवाली में महिला एसआई ने एएसआई उमेश रघुवंशी पर लगाया रेप और मारपीट का आरोप, पुलिस ने आरोपी और उसकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया। प्रयागराज कुंभ में बीएचपी की धर्म संसद का आज दूसरा दिन, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर होगी चर्चा। यूपी के बांदा के बिसड़ा कस्बे में पटाखे की दुकान में धमाका, मकान हुआ जमींदोज, 2 की मौत। यूपी के सहारनपुर के नांगला थाना क्षेत्र में एक युवक को देश में आतंकी हमले का आया फोन, धमकी देने वाले ने खुद को पाकिस्तान के कराची का रहने वाला बताया। उत्तराखंड के काशीपुर में कांग्रेस की जन आक्रोश परिवर्तन रैली को दिखाए गए काले झंडे, जनशक्ति विकास संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ खान ने दिखाए काले झंडे। राजस्थान के कोटा में डबल मर्डर, बदमाशों ने मां बेटे की हत्या की। राजस्थान के पाटन में पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को किया गिरफ्तार, 1 पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस बरामद। बीजेपी में शामिल होंगे जम्मू कश्मीर के शहीद फौजी औरंगजेब के पिता, 3 फरवरी को जम्मू में पीएम मोदी की रैली में लेंगे बीजेपी की सदस्यता। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। पाकिस्तान ने भारत को चिनाब बेसिन के निरीक्षण के लिए आमंत्रित किया, पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल का 4 दिन का दौरा खत्म। आईसीसी के सीईओ डेव रिचर्डसन ने टीम इंडिया को वर्ल्ड कप का प्रबल दावेदार बताया, इस साल इंग्लैंड में होने वाला है वर्ल्ड कप। विश्व कप 2019 के मुकाबले 30 मई से 14 जुलाई तक खेले जाएंगे, वर्ल्ड कप से पहले भारत 25 मई को न्यूजीलैंड से और 28 मई को बांग्लादेश से खेलेगा अभ्यास मैच। तुषार कपूर के नक्शे कदम पर चलते हुए उनकी बहन और प्रोड्यूसर एकता कपूर सेरोगेसी के जरिए बनी मां, 27 जनवरी को जन्मा एकता कपूर का बेटा पूरी तरह है स्वस्थ।